गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहैलाइड या डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो डाईहैलोजन डेरिवेटिव आर कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर हैवियर देन वाटर। ठीक है, ये वाटर के कंपेयर क्या होते हैं, भारी होते हैं। मीन यहाँ पर क्या है कि अगर इसको पानी में अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा कि लोअर साइड में यानी कि लोअर लेयर बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप ऑयल डालते हैं तो वाटर में क्या होते हैं कि अपर लेयर फॉर्म होती, ऊपर की तरफ तैरते हैं तो ये नीचे की तरफ डूबेंगे एक तरह से। ठीक है, डिप हो जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी पर अपन डिस्कस करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि जो डाईहैलो डेरिवेटिव है ये क्या है कि आर सिमिलर टू मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, सम रिएक्शन आर एज फॉलोज। ठीक है, कि ये क्या है कि जो अपने मोनो डाईहैलोजन जो डेरिवेटिव है वो क्या है कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की तरह ही क्या है कि लगभग सभी रिएक्शन देते हैं, बट अपनी यहाँ पर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इनकी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो इसकी क्या आती है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कि इनका हाइड्रोलाइसिस करें तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, व्हेन जेम डाईहैलाइड, जेम डाईहैलाइड गेट्स हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH। ठीक है, टू गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट पॉइंट पर करें, विस डाईहैलाइड हैलाइड्स गिव्स ग्लाइकोल। ठीक है, तो विष तो क्या करेगा, ग्लाइकोल, और ये क्या फॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं तो 1-1 डाईक्लोरो एथेन। ठीक है, फर्स्टली अपने क्या ले रहे हैं, जेम डाईहैलाइड में एग्जांपल अपने क्या लिया रिएक्शन के लिए, ये ठीक है, क्या है ये 1-1 डाईक्लोरो एथेन। ठीक है, अब इनका क्या है कि आप एक्वस KOH या अपन क्या लें सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हैलाइड है ये किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो आपके पास क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH3CH OH एंड OH। ये यहाँ पर क्या हो गया, डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा जो क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, अब ये अनस्टेबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CHO यानी कि एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, भी आपने बताया क्या, तो यहाँ पर एल्डिहाइड या क्या होगा, कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन किस बेस पर, यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ कौन सा यहाँ पर डाईहैलाइड यानी कि कौन सा आप जेम डाईहैलाइड ले रहे हैं उसके बेस पर। इसी तरह से अपन यहाँ पर क्या लेते हैं, 2-2 डाईक्लोरो प्रोपीन जेम डाईहैलाइड लेते हैं।
ये क्या है, टू टू डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अगर इसका अपन एक्वस के ओ एच की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फर्स्टली क्या होगा, यहाँ पर दोनों ओ एच ग्रुप हो जाएंगे, यहाँ पर बोथ आर ओ एच ग्रुप। जो क्या है, यहाँ पर अनस्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। सॉरी, ठीक है, कि यहाँ से O और यहाँ से H, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या फॉर्म हो जाएगा, एसीटोन यानी कि कीटोन, एसीटोन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन क्या करते हैं कि जो विस डाइहेलाइड है, तो विस डाइहेलाइड क्या होते हैं कि दोनों कंटिन्यूस कार्बन पर क्या होंगे, हेलोजन डेरिवेटिव यहाँ पर जुड़े हुए होंगे, हेलोजन जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या ले लिया अपने, 1,2-डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, अगर इसका एक्वस के ओ एच की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2OH, CH2OH प्लस KCl, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टू ये निकलेंगे और इसके भी क्या होंगे, यहाँ पर टू मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, फॉर्म हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी। अब अपन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर बात करते हैं। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या आती है इसकी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हाइड्रो डिहाइड्रो यानी कि डी मीन बाहर निकलना है, ठीक है, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन। ठीक है, कि यहां पर क्या है कि एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें आउट होगा। ठीक है, तो व्हेन जेम डाइहेलाइड रिएक्ट विद एल्कोलिक के ओ एच टू फॉर्म एल्केन। ठीक है, कि ये क्या होगा कि जब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, एल्कोलिक के ओ एच के साथ कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एल्केन फॉर्म होगी, एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप जेम डाइहेलाइड CH3CH2, सॉरी CH Cl और Cl क्या हो गया, 1,1-डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एल्कोहलिक के ओ एच, एल्कोहलिक के ओ एच के साथ जब आप इसका यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर बाहर निकलेगा, यानी कि HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। अब अगर यहाँ से क्या है कि एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो CH2CH होगा। अगर यहां से एक हाइड्रोजन और दो क्लोराइड निकले तो ये फॉर्म नहीं हो गए, यानी कि ये टू मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, तो यहां से क्या होगा, टू हाइड्रोजन रिलीज होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको CH3 ना नोट करके और मैं इसको इस तरह से लिख दूं, 1H 2H 3H, ठीक है, 3H हो गए, तो 1 2, ठीक है, तो 2Cl यहाँ से बाहर हो गया और आपके पास क्या बन जाएगी, सॉरी एल की नहीं, एलकाइन, मैं आपको गलत बोल गया, एलकाइन, एलकाइन फॉर्म हो गई। ठीक है बेटा, कि जब क्या होगा कि एल जो जेम डाइहेलाइड है, अगर इसको आप किसके साथ रिएक्ट करें, एल्कोलिक केओएच के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एल्काइन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी, एसिटिलीन,
सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच यानी कि एथाइन, ठीक है, एथाइन यहाँ पर फॉर्म हो गई। ठीक है बेटा, या अब आप एक बात ध्यान रखना कि देखो के ओ एच यहाँ पर दो सिस्टम में है कि एक तो है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक के एच लेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्वस के ओ एच लेते हैं तो एक्वस को के ओ एच रहेगा तो वहां पर क्या होगा, ओ एच ग्रुप एड हो जाएगा और रिप्लेसमेंट किसका होगा, हैलाइड का। ठीक है, हैलाइड का रिप्लेसमेंट किसके किसके द्वारा हो जाएगा, ओ एच के द्वारा हो जाएगा। आप ये है ना छोटे छोटे इसके रूल होते हैं तो इन रूल्स पर आप ध्यान रखना कि भाई एल्कोहलिक के ओ एच है वो क्या काम कर रहा है, एक्वस के ओ एच है वो क्या कर रहा है। तो ये किसी भी रिएक्शन में आएगा ना तो इसका नेचर यही रहेगा। ठीक है, कि ये यहाँ से क्या होगा कि हैलाइड का क्या होगा, यहाँ से आउट करेगा ये। ठीक है, और ये क्या करेगा, हैलाइड की जगह क्या लाएगा, ओ एच ग्रुप लाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन में आएगा और ये किस में आएगा, रिप्लेसमेंट, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन यहाँ पर विस डाइहैलाइड लेते हैं, विस डाइहैलाइड 1,2 डाइक्लोरोएथेन, अगर इसकी आप रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, एल्काइन का फॉर्मेशन होगा यानी कि एल्काइन यहाँ पर कौन सी होगी, 2 कार्बन वाली, तो यानी कि एथाइन प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, थर्ड रिएक्शन आती है इसकी डी हैलोजिनेशन। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ओनली हैलोजन का जो एटम है वही यहां से क्या होगा, रिलीज होगा यानी कि उसका ही एलिमिनेशन यहां पर होगा। ठीक है, बाकी यहां से हाइड्रोजन का नहीं होगा। देखो डी हाइड्रो हाइड्रो है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन और हैलोजन, ठीक है, दो चीजें यहां पर एलिमिनेट होगी। और अगर क्या है कि डी हैलोजिनेशन है तो हैलोजिनेशन है तो मीन यहां पर क्या है कि ओनली क्या होगा, डी हैलोजिनेशन में हैलोजन का ही एटम यहां से रिलीज होगा। ठीक है, एलिमिनेट होगा। तो इसके लिए अपना एग्जाम्पल नहीं, मतलब क्या होता है कि जो जैम डाइहैलाइड है अगर उनकी रिएक्शन आप क्या कराते हैं कि जिंक मेटल के साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होती है, एल्केन फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होगी, एल्किन, सॉरी क्या फॉर्म होगी यहां पर, एल्किन फॉर्म होती है। ठीक है, अब एल्किन फॉर्म होगी। अब इसके बाद विस डाइहैलाइड लेते हैं तो वो भी क्या है कि गिव एल्किन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो यहां पर दो बातें हैं कि अगर क्या है कि डिहेलोजिनेशन जिंक मेटल के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं किसकी, जैम डाइहैलाइड की। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जैम डाइहैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आप यूज करेंगे तो आपको क्या होगा यहां पर कि जो एल्किन यहां पर फॉर्म होगी वो डबल कार्बन वाली होगी। ठीक है ना, यानी कि आप अगर यहां पर जैसे आप 1,2 डाइक्लोरो एथेन लेते हैं तो यहां पर आपको क्या फॉर्म होगी, ब्यूटीन। ठीक है, अगर आप यहां पर किसका यूज करते हैं कि आप जैम डाइहैलाइड का यूज करते हैं, सॉरी विस डाइहैलाइड यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि सेम नंबर वाली क्या होगी, सेम नंबर वाली एल्किन फॉर्म होती है। ठीक है, और अगर क्या है कि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड लेते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड लेते हैं तो आपको क्या फॉर्म होगा यहां पर कि साइक्लिक क्या होगी, एल्किन प्राप्त होगी, साइक्लिक एल्केन फॉर्म होगी यहां पर। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या बात की यहां पर कि अगर आप जैम डाइहैलाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगी, एल्कीन, एल्कीन फॉर्म होगी। बट यहां पर वो एल्कीन कौन सी होगी, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, डबल नंबर, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली। ठीक है, यानी कि दुगने कार्बन वाली। ठीक है, अगर आप यहां पर क्या लेते हैं, विस या बीस डाइहैलाइड कि आप जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे
तो यहां पर क्या होगी, एल्किनी फॉर्म होगी, ठीक है, बट वो क्या होगी, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि आप यहां पर जिस तरह का जो भी यहां पर विस डाइहैलाइड लेंगे, तो जितने कार्बन उस डाइहैलाइड में, विस डाइहैलाइड में, उतने ही कार्बन नंबर की यहां पर क्या फॉर्म होगी, एल्किन फॉर्म होगी। थर्ड टाइप अपने पास था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है, ठीक है। अगर इसके आप जिंक मेटल के साथ अगर इनको रिएक्ट कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर साइक्लो, यानी कि यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, पहली बात तो साइक्लो एल्केन फॉर्म होगी, ठीक है। साइक्लो एल्केन यानी कि सेम नंबर की यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइक्लो एल्केन फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर अपन क्या है कि वन वन डाइक्लोरो एथेन, वन वन डाइक्लोरो एथेन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहां पर अब इसके क्या होते हैं, टू मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो यहां से क्या होगा कि ZnCl2 का मॉलिक्यूल यहां से बाहर होंगे, एलिमिनेट होंगे, तो यहां पर जिंक के क्या होंगे, टू क्या होंगे, एटम्स यहां पर यूज होंगे, और आपको जो एल्किन फॉर्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, CH3CH, ठीक है। अब डबल बॉन्ड और फिर ये आ जाएगी CH CH3, क्या फॉर्म हो गई, 2-ब्यूटीन, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, प्लस टू मॉलिक्यूल किसके, जिंक क्लोराइड के, ZnCl2 यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में ये फॉर्म होगा, ठीक है। जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, मैथेनॉल की प्रेजेंस में होती है, मैथेनॉल यानी कि CH3OH की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहां पर क्या लेते हैं, विस डाइहैलाइड लेते हैं, तो विस डाइहैलाइड क्या होता है, ये यानी कि टू कंटिन्यूस कार्बन पर हेलोजन एटम ऐड होंगे, ठीक है, टू हेलोजन एटम टू कंटिन्यूस कार्बन पर, ठीक है। तो अब इसमें इसकी अगर आप जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, किसकी प्रेजेंस में, मेथेनॉल CH3OH की प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहां पर आपको क्या फॉर्म होगी, एल्किन ही फॉर्म होती है, बट सेम नंबर, सेम कार्बन नंबर वाली। अब यहां पर क्या है, 1,2-डाइक्लोरोएथेन, तो यहां पर आपको क्या फॉर्म होगी, एथीन प्लस ZnCl2, ठीक है। थर्ड अपने लिया है अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा अगर आप क्या है कि जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगी आपको, साइक्लो एल्केन फॉर्म होगी। तो साइक्लो एल्केन कैसे फॉर्म होगी, यहां पर अपन ले लेते हैं अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो पेंटेन, CH2 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 CH2, ये तो होगी पेंटेन, और ये यहां पर आ गया, तो ये अल्फा ओमेगा बोले, या अपन 1,5-डाइक्लोरो प्रोपेन सॉरी पेंटेन, ठीक है। अभी आप इसको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, मेथेनॉल की प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा कि ZnCl2, ठीक है, बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इनके बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो CH2 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 और एक बॉन्ड इनके बिटवीन, तो ये क्या फॉर्म होगा यहां पर, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। अगर आप यहां पर प्रोपेन लेंगे, तो प्रोपेन वाला लेंगे, तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगी, साइक्लो प्रोपेन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, और प्लस ZnCl2। इसके बाद बात आती है इसके यूजेज, तो यूजेज में अपन बात करें मोनो एंड डाई हेलो डेरिवेटिव के जो यूजेज हैं, तो इसमें क्या क्या यूज है। फर्स्ट क्या होता है कि मेथिल क्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेथिल मेथिल सेलुलोज एंड एथिल सेलुलोज, यानी कि इनका यूज किसमें होता है, सेलुलोज के फॉर्मेशन में, ठीक है। एथिल क्लोराइड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ
टेट्रा एथिल लेड के प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके अलावा इनका क्या है, रेफ्रिजरेंट्स एंड इन द एंथेस्टिक, ठीक है, न से उसको अपन बोलते हैं ना सुन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ मैनी यानी कि कुछ अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड बाय मोनोहेलो डेरिवेटिव्स, यानी कि मोनोहेलो डेरिवेटिव के प्रिपरेशन में। डाईहेलो डेरिवेटिव आर यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर रबर, और मेथिलीन क्लोराइड इज यूज ए एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट इन मेडिसिन एंड फूड इंडस्ट्रीज। ये इसके क्या है, यूजेज है। इसके बाद जो बात आएगी अपने सिलेबस में आती है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव अपन यहाँ पर ओनली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इसमें क्लोरोफॉर्म आता है, ठीक है, ये अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना, ये सिलेबस में अपने नहीं है। तो ये पूरा टॉपिक अपना, इसका प्रिपरेशन, इसके केमिकल रिएक्शन, इसके अलावा जो ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव में आयोडोफॉर्म आता है, ये भी अपने टॉपिक में अब अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि इसके टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव जो आएंगे वो अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो टॉपिक अब आपको यहाँ पर नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।